चलिए आपको दिखाएंगे, अगर आप लॉकर बैंक में रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। नोएडा से ये बड़ी खबर आई है जहां बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए में दीमक ही लग गई, कैश और आभूषण को चट कर गए दीमक। स्टीजन कोऑपरेटिव बैंक का ये मामला है। तो स्टीजन कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा मामला सामने आया, सेक्टर 51 में स्थित है ये बैंक। यहाँ एक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए और आभूषणों के डिब्बों को दीमक ने चट कर दिया, जिससे बैंक के ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया। लॉकर होल्डर ने शाखा प्रबंधक से शिकायत की, इसके बाद शाखा प्रबंधक ने आरबीआई की गाइडलाइनों के मुताबिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले की जांच में दीवार में आई सीलन के वजह से दीमक लगी और मुख्य वजह ये बताई जा रही है। लॉकर होल्डर ने बताया कि उनके लॉकर में 5 लाख रुपए नकद और कीमती आभूषण रखे थे। जब वो कुछ दिन पहले रुपए निकालने पहुंचे तो सभी नोटों में दीमक लग चुकी थी। होल्डर ने बताया कि 2 लाख रुपए के नोट तो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि 3 लाख रुपए के नोटों में जगह जगह छेद हो गया है, जिससे वो अब बाजार में नहीं चल सकते। इसके अलावा कीमती आभूषणों का भी बॉक्स में दीमक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लॉकर होल्डर ने बैंक पर दबाव बनाते हुए कहा है कि 3 लाख रुपए के बचे हुए नोटों को आरबीआई से बदला जाए। इसके बाद बैंक ने अन्य ग्राहकों को भी सतर्क रहने के लिए अपने अपने लॉकर चेक करने की सलाह दे दी है। चले विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से अपडेट के साथ जुड़ गए। विजय, एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है, लोग अपनी जो पैसा है या आभूषण है वो लॉकर में ये रखते हैं कि सुरक्षित रह सके, लेकिन वहां तो दीमक ही चट कर गए। बिल्कुल सही बात है, जो बैंकों में मेथड बनाया जाता है वो आम आदमी की सुरक्षा और उसके डॉक्यूमेंट के एक्सपायर के लिए बनाया जाता है। पर वहीं जब बैंक प्रबंधक से हमने बात करी और इस पूरे मामले की जानकारी करी, आखिरकार जो लॉकर लेने का रूल रेगुलेशन क्या है, क्या उसकी गाइडलाइन है, तो उन्होंने बताया कि जो आरबीआई कहती है इस तरीके का लॉकर होता है, हम उस तरीके का उनको ईयरली उनसे अमाउंट लेते हैं, मिनिमम 2000 रुपए की स्टार्ट है और आगे कोई गिनती भी जितने बड़ा लॉकर लेंगे उतना उसका सालाना पैसा जमा करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए कैश की, तो कैश के लिए बैंक खुद ही बना हुआ है। अगर किसी ने बैंक के अंदर अगर पैसा रखा है तो उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बैंक के अंदर जेवरात और 5 लाख रुपए उन्होंने नकदी रखे, जिसमें 2 लाख रुपए दीमक खा चुका और वही जो 3 लाख रुपए उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया, हुआ नोट चलने के लायक नहीं। पर वही जो उपभोक्ता उसका कहना है कि इन पैसे को वापस किया जाए, तब इसकी जानकारी जब लोगों और बैंक प्रबंधक द्वारा सभी लोगों को सूचना दी गई, कहा गया कि किसी के बैंक के अंदर कोई भी अगर अगर कैश अमाउंट रखा है तो उसको आके चेक कर लिया जाए। और बताया जा रहा है कि दीवार के सिलन के कारण ये पूरी घटना हुई है, उसके पास से बैंक के अंदर लोगों की भीड़ लगे, सभी लोग अपने लॉकर को चेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए, आगे बढ़ते